नमो नमः। सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियच्छात्राणां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य सुभाषितानि इति पाठं पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे अस्माकं जीवनाय महत्वपूर्णानि उपयोगीनि यानि सुभाषितानि सन्ति तानि वयम् जानीमः। सुभाषितानि नाम किम्? सु इति उपसर्गः, सुंदर, भास धातु। अस्तु, भास धातुना एव सुभाषितम् इति शब्दः निष्पद्यते। यथा रम क्रीडायां धातुना, रम क्रीडा धातु से राम शब्द बनता है, उसी प्रकार से भास बोलने, भास वाचे इस धातु से भाषित शब्द बनता है, भाषितम, सुभाषितम। तो सुंदर भास, सुंदर वचन का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? सुभाषित कहते हैं। ठीक है, एक सुभाषित तो सुभाषितम, और उसका बहुवचन हो जाएगा सुभाषितानि। ठीक, ऐसे जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरक का काम करते हैं, मार्गदर्शक का काम करते हैं, उपयोगी साबित होते हैं, इन ऐसे सुभाषितों को हम जानेंगे। भले ही कुछ लोग समझते होंगे कि संस्कृत किसी काम की नहीं, उपयोगी नहीं है, लेकिन हमें हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शक का काम करने वाली संस्कृत की ये सुभाषित, ये सूक्तियाँ होती हैं जो हमें सही समय पर प्रत्युत्पन्नमति का काम करती हैं। ठीक, तो बुद्धिर्बलवति सदा चैप्टर में हमने प्रत्युत्पन्नमति के बारे में जाना था कि ऐसी मति जो समय आने पर हमारे काम करे, हमारा हेल्प करे। ठीक है, ऐसी मति का ही ये काम करती है। तो प्रस्तुतोयम् पाठः विविध ग्रंथान संकलितानां दस सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। यानी कि यह जो पाठ है सुभाषितानि, यह विविध ग्रंथों से, यानी कि अलग अलग ग्रंथों से संकलित दस सुभाषितों का संग्रह वर्तते। संग्रहाधन वर्तते, संग्रहो वर्तते। तो कौन संधि हो गई? रत्तु संधि, उत्तु संधि, ठीक है, विसर्ग संधि हो गई। तो संग्रह है, संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुं अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। यानी कि सार्वभौमिकं सत्यं, यानी कि सभी के द्वारा यह सत्य स्वीकार लिया गया है कि प्रकाशयितुं, यानी कि सभी प्रकार के सत्य को प्रकाशित करने के लिए, अर्थगाम्भीर्ययुता, जिनका एक विशिष्ट अर्थ है हमारे जीवन में भी और समाज सामान्य रूप से शब्द का अर्थ भी, पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना, यानी कि पद्यमयी प्रेरणात्मिका जो रचना होती है उसी को सुभाषित कहते हैं। अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वम्, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वम्, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। यह जो चैप्टर है हमारा, पाठांश है, ये परिश्रम के महत्व को बताता है, क्रोध से होने वाले दुष्परिणामों को हमें बताता है, सामाजिक महत्व के बारे में बताता है, और सभी वस्तुओं की उपादेयता, मतलब उपयोगिता, बुद्धि वैशिष्ट्य इत्यादि सभी विषयों पर प्रकाश डालता है। तो एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे, उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, अन्वय समझने का प्रयास करेंगे, और उसका अर्थ और भावार्थ जानेंगे, और उसके अंतर्गत आने वाला जो व्याकरणांश है उसको भी समझेंगे। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्तुद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तो आलस्यम ही मनुष्याणां, मनुष्याणां आलस्यम ही, निश्चय ही शरीरस्थः महान रिपुः, अस्ति उद्यमशमः बंधुः नास्ति, यम कृत्वा न अवसीदति। ठीक, तो कह रहे हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणां, ठीक है, शरीरस्थो महान रिपुः। अब अत्र किमस्ति, संधियां हैं बहुत सारी,
तो शरीरस्थः शब्द है वह, शरीरस्थः धन, शरीरस्थो महान पितु। म इति पंचम वर्णः, विसर्गात् परं यदि म वर्णः आयाति, पंचम वर्णः आयाति तदापि किं भवति, विसर्गस्य स्थाने उ भवति। तो अ उ मिलके ओ, शरीरस्थो महान पितु। यदि चतुर्थ पंचम वर्ण यदि हो तो क्या हो जाता है, शरीर के स्थान पर ओ हो जाता है। कब, जब पहले अ हो। तो शरीरस्थः धन महान, तो शरीरस्थो। बाकी कोई अंतर नहीं होगा उसमें, शरीरस्थो। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा शब्द। आगे है शरीरस्थो महान रिपुः। नास्त्युद्यम समो बंधु, तो नास्ति धन उद्यम समः, तो यहां क्या हुआ है, ई के बाद उ असमान स्वर है, तो शब्द बन गया नास्त्यु। क्यों बना, ई के स्थान पर जो ई था नास्ति में उसमें या हो गया, उसमें उ मिल गया। नास्त्युद्यम समो बंधु, समो बंधु समः धन बंधु। ठीक है, विसर्ग के बाद तृतीय वर्ण आ गया तो उसको ओ हो गया, नास्त्युद्यम समो बंधु। तो इसका अनुभव इस तरीके से बनेगा कि मनुष्याणाम ही मनुष्याणाम आलस्यम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति, उद्यम समः बंधुः नास्ति, यम कृत्वा न अवसीदति। यानी कि आलस्य ही मनुष्यों का सबसे महान शत्रु है, प्रमाद, आलस्य। ठीक है, तो जड़ता, यानी कि आज के काम को कल कर लूंगा, चलो आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूंगा, शाम अभी काम नहीं करूंगा शाम को कर लूंगा, ये जो प्रवृत्ति है आलस्य की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये आलस्य क्या है, मनुष्यों के शरीर में बैठा हुआ उनका अपना सबसे बड़ा शत्रु है, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। देखो समाज वाले तो बाद में आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, टांग खिंचाई बाद में करेंगे, हम लोग अपनी टांग खिंचाई कई बार खुद ही करते हैं, ये आलस्य के कारण। तो इसलिए हमें आलस्य न करना चाहिए। और कह रहे कि नास्ति उद्यम समः बंधु, और हमारा सच्चा मित्र हमारा परिश्रम है जो हम करते हैं कई बार। ठीक है, तो हमारा परिश्रम ही क्या है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है जो हमें दुखी होने से बचाता है। कृत्वा या यम न अवसीदति, जिसको करने से, जिस परिश्रम को करने से व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, न अवसीदति दुखी न भवति। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि इस आलस्य ही मनुष्य का सबसे महान शत्रु है, और उद्यम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो जिसको करने से, यम कृत्वा जिसको करके क्या होता है, मनुष्य न अवसीदति कभी दुखी नहीं होता, इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक, अगला श्लोक है कि गुणी व्यक्ति की पहचान, यानी कि जैसा हमारा व्यवहार होता है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, किसी के भी विषय के प्रति सोचने की क्षमता, ठीक है, उसके प्रति हमारी थिंकिंग, तो वैसा ही हमें वो दिखाई देता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो कहते हैं कि गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायस, करी च सिंहस्य बलं। तो कहते हैं कि गुणी गुणम वेत्ति, यानी कि जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुण की पहचान कर सकता है। ठीक है, जो पारखी होगा वही तो पहचान पाएगा कि सोना खरा है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो सही व्यक्ति की पहचान, गुण की पहचान, क्वालिटी की जो पहचान है, जो गुणी व्यक्ति होता है वही कर पाता है। न वेत्ति निर्गुणो, और न वेत्ति न जानाति निर्गुणो, जो निर्गुणी व्यक्ति होता है जिसमें खुद गुणी नहीं है, जिनको पता ही नहीं गुण होते क्या हैं, तो वो कैसे बता पाएगा कि गुण क्या चीज होती है, वो तो निर्गुण ही ढूंढेगा ना दूसरे में। बली बलम वेत्ति, जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल के महत्व को जानता है,
नवेत निर्बला। अब जो निर्बल व्यक्ति है वो क्या बल का महत्व जानेगा। ठीक, पिको वसंतस्य गुणम नवायसः। पिको मतलब पिकः वसंतस्य, जो कोयल होती है वही वसंत के इस सुरम्य वातावरण का आनंद जानती है कि वसंत क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते। काकः काकः पिकः पिकः। ठीक, तो यानी कि वसंत के आगमन पर ही हमें पता चलता है कि कौवा जो कर्कश आवाज में बोलता है और कोयल है जो मीठी आवाज में बोलती है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, तो इसलिए उसका महत्व क्या है, वसंत के समय पर है। इसलिए वसंत के महत्व को जानने वाली कौन है, कोयल है। नवायसः, कौवा उसके महत्व को नहीं जानता, भाई पहले भी उसकी उपेक्षा होती है, आज भी उसकी उपेक्षा होती है, तो इसलिए उसके लिए सब समान है। लेकिन वसंत के महत्व को जानने वाला कौन, कोयल। करीज सिंहस्य बलम न मूषकः, तो सिंह के बल को जानने वाला करी हस्ती हाथी होता है, क्योंकि उसके साथ उसका सामना होता है। ठीक है, न मूषकः, अब चूहा थोड़ी जानेगा कि उसका बल क्या होता है। ठीक है, कहा सुनी में उसने सुन लिया कुछ कि इतना महान होता है, लेकिन असल में उसको पता है कि सिंह का बल क्या है। ठीक, तो कह रहे हैं कि गुणी व्यक्ति को ही असली गुण की पहचान होती है, क्वालिटी की पहचान होती है। निर्गुणी व्यक्ति क्या क्वालिटी होती है वो क्या जाने। ठीक, आगे कहते हैं कि बलवान व्यक्ति ही बल की विशेषता को जानता है कि बल वास्तव में किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है। जो निर्बल व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं है बल होता क्या। ठीक है, तो पिको वसंत, उसी प्रकार से पिक यानी कि कोयल को पता है कि वसंत की महत्व, वसंत का महत्व क्या है, कौवा क्या जाने वसंत क्या चीज है। ठीक है, उसके लिए तो सब समान है। करीज सिंहस्य बलम मूषकः, और सिंह के बल को जानने वाला हाथी है, क्योंकि वो उसकी उससे दो चार हाथ करता है, उसको पता है कि उसका बल कितना है, और बल का असली जो जानने वाला है सिंह के बल को वो हाथी है, चूहा थोड़ी जानेगा, उसके साथ थोड़ी उसकी लड़ाई होती है। तो इसलिए हमें गुणी व्यक्ति बन करके गुण की पहचान करनी चाहिए, क्वालिटी की। ठीक है, क्वालिटी युक्त वर्क करें हम, कोई भी काम करें। ठीक, और कोई भी चीज क्या है, व्यर्थ नहीं होती है, हमें वो हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं, अपने लिए क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज इस पूरी दुनिया में व्यर्थ नहीं है, कोई भी चीज चाहे कितनी भी बुरी चीज हो, हम उसमें नेगेटिव में भी पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं, वो हमारे दृष्टि हमारे थिंकिंग पर डिपेंड है। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले श्लोक पे। निमित्तमुद्दिश्य हियः प्रकुप्यते ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। निमित्तं उद्दिश्य, निमित्त उद्दिश्य, निमित्तं उद्दिश्य मतलब निमित्तं धन उद्दिश्य, उद्दिश्य तो निमित्त यानी किसी कारण से यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो देखो क्रोध आना स्वाभाविक क्रिया है, सबको क्रोध आता है, लेकिन बिना बात के हर समय क्रोध करना उचित नहीं है। कहता है कि निमित्त उद्दिश्य हियः प्रकुप्यति, प्रकोपम करोति, कोपम करोति यानी कि किसी कारण से। निमित्त उद्दिश्य हियः प्रकुप्यति यानी कि यह निमित्त उद्देश्य ही प्रकुप्यति यानी कि जो व्यक्ति किसी कारण से कभी कभार क्रोध करता हो, देखो क्रोध नहीं करना भी कभी कभी हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति प्रेम से मान ही नहीं रहा है तो कम से कम उसको एक्टिंग तो करे क्रोध करने की, जिससे कि उसको समझ में आए हाँ, क्योंकि दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक प्यार से मानने वाले एक मार से मानने वाले, वो मार कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कम से कम वचनों से तो मार लो उसको, समझ जिससे कि वो समझे उसका भला हो। ठीक है, तो इसलिए क्रोध भी एक हद तक जरूरी है। ठीक है, हर चीज की अपनी महत्व है, लेकिन हर चीज की जब इति अति हो जाती है तो वो फिर अघातक सिद्ध होती है। तो वही कह रहे हैं कि निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति,
केवल किसी विशेष कारण पर ही जो व्यक्ति क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्या पगमे प्रसीदति, यानी कि उसके अपगमे, उसके जाने के बाद, तस्य प्रसीदति यानी कि तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, उसके जाने के बाद वही क्रोध उसके लिए और जिस पर किया गया उन दोनों के लिए क्या होता, प्रसीदति, उनको प्रसन्नता देने वाला होता है। ठीक है, तो निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवम सदस्यापगमे प्रसीदति, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तम अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, उसके लिए वो क्या होता है, सुख देने वाला होता है। ठीक है, आनंद देने वाला होता है। ठीक, लेकिन आगे कह रहे हैं कि अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो किसी विशेष कारण पर ही क्रोध करता है तो उस व्यक्ति का क्रोध जिस पर किया गया और जो कर रहा है दोनों के लिए उसके बाद क्रोध के करने के बाद प्रसीदति, उन दोनों को ध्रुवम सदस्यापगमे प्रसीदति यानी कि लंबे समय तक प्रसन्नता देने वाला होता है। लेकिन अकारणात ठीक है द्वेषी मनस्तु यस्य वै, बिना किसी कारण के बात बात पर यदि कोई क्रोधित हो जाए, ठीक है, अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै, यस्य मनस्तु अकारणद्वेषी वै जनस्तम कथम तम जनम तम जनह कथम जनह तम कथम परितोषयिष्यति, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न रख सकता है, कैसे उसको प्रसन्न कर सकता, जो व्यक्ति बिना किसी बात के हर बात में क्रोध दिखाए उसको ऐसा लगता हो भाई, माना कि क्रोध आवश्यक है लेकिन विशेष परिस्थिति कही ना, उसने क्या कहा कि निमित्तम उद्देश्य, किसी विशेष कारण से यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो समझ में आता है, ठीक है, उसका क्रोध जायज था और उस क्रोध से उसको और उस जिस पर किया दोनों के लिए ही प्रसिद्धति यानी कि प्रसन्नता का विषय बना बाद में। ठीक है, समय उस समय तो अच्छा नहीं लगता क्रोध करना, लेकिन कई बार क्रोध माता पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं, अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध गलत थोड़ी है, उसके भले के लिए, तो वो भला केवल माता पिता का थोड़ी है जो कर रहा है, उसके लिए थोड़ी है, बच्चे का भी भला है उसमें, ऐसा ही गुरु शिष्य का संबंध है। ठीक है, तो जब किसी विशेष कारण से क्रोध किया जाए तो वो बाद में उस क्रोध के करने के बाद जब मामला सब ठंडा हो जाए, ठीक है, शांत चित्त हो जाए, तो दोनों को समझ में आता है हाँ ये चीज जरूरी थी या फिर इससे हमारा भला हुआ, हम प्रसन्न हुए। लेकिन जो हर बात में क्रोध करता हो, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै, जिसके मन में हमेशा ही द्वेष भरा रहता है, क्रोध भरा रहता है, कथम जनस्तम तम जनह तम, व्यक्ति उसको तम कथम परितोषयिष्यति, कैसे प्रसन्न कर सकता है, कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, देखो हम आने वाले भारत के भविष्य हैं, हमें अलग अलग फील्ड में कोई ऑफिसर बनेगा, कोई अलग अलग, देखो सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएंगे ये हमें आशा है, क्योंकि सब आप बहुत श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन करके किसी पद को सुशोभित करेंगे, तो उन पदों पर अगर आपका व्यवहार इस प्रकार का हुआ कि आप बिना किसी कारण के हर वक्त क्रोध कर रहे हैं अपने कर्मचारियों पर या अपने जो नीचे काम करने वाले हैं या समाज पर जो भी है, ठीक, तो आपकी छवि अच्छी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपको अपनी छवि बनानी है तो क्रोध करना भी जरूरी है, लेकिन निमित्त उद्देश्य, किसी विशेष कारण पर ही अगर आप क्रोध करें तो आपका केवल प्रसिद्धि प्रसन्नता होगी आपको जिस पर किया उस पर भी, अन्यथा क्या होगा, हर बार पर अगर आप क्रोध करते हैं बिना किसी कारण के तो फिर वो आपके लिए हितकारी नहीं होगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक, यही बात उसमें है। अगला है उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेङ्गित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। कह रहे हैं कि उदीरितोर्थः, देखो कैसे बना उदीरितोर्थः, उदीरितः उदीरितः धन अर्थः
तो उदीरितोर्थः, ठीक है, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद में आ, तो बन गया उदीरितोर्थः। उदीरितोर्थः तो कौन सी संधि हुई? उत्पसंधि। ओ ठीक, तो यदि उदीरितोर्थः पशुना अपि क्रियते, पशुना अपि कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। पशुना कौन सी व्यक्ति है? पशु शब्द की गुणा पशुना साधना, तो पशुना ठीक है, दीर्घ संधि हुई। तो उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, यानी कि जो कही हुई बात है उसका मतलब तो कौन समझ जाता है? पशु भी समझ जाता है भाई, उससे चल भाई चल चल चल, हाँकते ना उनकी भाषा में बोले या किसी तरीके से बोले, हट हट, कुत्ते से बोलेंगे तो कुत्ता जाएगा ना, दूसरे को हटेगा। तो यानी कि उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, एक पशु के द्वारा भी कही हुई बात तो समझ ली जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिताः, यानी कि हय घोड़े और हाथी, ठीक है, घोड़े और हाथी, नागाः मतलब गजा, हस्तिनः हाथी, ठीक, तो घोड़े और हाथी भी क्या करते, वहन्ति, लोगों को अपनी पीठ पर बैठा करके जब उनको बोधित समझाया जाता है, ठीक है, तो वो भी आराम से लोगों की सवारी करते हैं, उन्मत्त नहीं होते, पागल नहीं होते, कोई किसी को फेंक नहीं देता, ठीक है। अब जो पागल हाथी होते उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यदि कोई घोड़ा और हाथी है उसको समझाया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो भी आराम से क्या करते हैं, वहन के लोगों को ढोते हैं इधर उधर, सवारी करते हैं, यानी कि कहने पर, कहने के बाद कोई बात हमने कही समझाई, ठीक है, तो उसको तो पशु भी समझ जाता है, जैसे घोड़े और हाथी को समझाने पर वो लोगों की सवारी करते हैं, ठीक। तो उनमें और हमें अंतर क्या है, तो कह रहे हैं कि अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तम अप्युहति, तो अनुक्तम धन अपि, अनुक्तम अपि धन ऊहति, ठीक। तो ये कौन सी संधि हुई? ये हो गई आपकी जड़ संधि, यहाँ तो आपका सीधे सीधे अनुस्वार या संयोग कह सकते हैं, मौ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ई के बाद वो असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर यह अप्यु इसलिए हुआ, ठीक। तो अनुक्तम अप्यु हति पंडितो जनः, पंडित कौन है, विद्वान कौन है, वास्तव में मनुष्य कौन है, जो परेंगित अनुक्तम अप्यु हति, यानी कि बिना कहे भी जो समझ जाए, केवल इशारा करने की मात्र की देरी हो, संकेत से समझ जाए, आपकी अगर हम क्लास में आए, आपने समझ लिया कि आज भैया चुप रहना है, तो हमारी मुखाकृति को देख करके, हमारी चाल चलन को देख करके यदि बच्चा समझ जाए कि हाँ अब चुप रहना है, अब हमें पढ़ना है, हमें जिज्ञासा जागृत करनी है, तो यानी कि संकेत के माध्यम से, इशारे से जो सब कुछ समझ जाए वही तो पंडित है, ठीक है। परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः, परेंगित इंगित ज्ञान फलाहि, इंगित मतलब संकेताधारित ज्ञान, ठीक है, जो संकेत से इशारों इशारों में समझ जाए कि मुझे करना क्या है, ठीक है, तो इंगित ज्ञानम यानी संकेत जन्य ज्ञान ही जो ग्रहण कर ले बुद्धयः, सह पंडितः, सह जनः पंडितः, वही व्यक्ति पंडित है। पंडित से मतलब यहाँ पर कर्मकांड करने वाला नहीं है, पंडित से मतलब यहाँ पर है वह व्यक्ति जो विद्वान है, वह व्यक्ति का वही व्यक्ति है, वास्तव में वही मनुष्य है जो इशारे को समझे, ठीक है, तो राज को राज रहने दो, ठीक। तो इसलिए हमें इशारों से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में सामने वाला व्यक्ति चाह क्या रहा, तभी तो हम बुद्धिमान है, अन्यथा तो समझाने पर तो घोड़े हाथी भी चल रहे हैं, ठीक है, पशु भी समझ रहा है, तो हमें और उनमें अंतर होना चाहिए ना, तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि चातुर्य को इतना उत्कृष्ट बनाना चाहिए कि हम समझ जाएं इशारों में ही कि वास्तव में सामने वाला मुझसे क्या चाह रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आपका प्रश्न श्लोक पांचवा हुआ, ठीक। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर पांचवें पर, चौथा पूरा हुआ हमारा। क्रोधो हि शत्रु
प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथास्थिति हि काष्ठगतो हि वह्नी स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अब क्रोध से बचने की बहुत जरूरी है, हमें क्रोध से बचना चाहिए। एक तो कहा पहले वाला कि निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति कोप करता है, हमसे जलता है, ईर्ष्या करता है या क्रोध करता है सामान्य अर्थ में, ठीक है। लेकिन यहां कह रहा है कि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी कि प्रथमः नराणाम, कौन सी संधि हुई प्रथमः नराणाम में, विसर्ग संधि, प्रथमः धन नराणाम। तो इसमें नौ वर्ण पांचवा है, इसके स्थान पर ओ हो जाएगा तो बन जाएगा प्रथमो नराणाम, ठीक। तो इस तरीके से प्रथमो तिरल लिख देंगे नराणाम। तो कह रहे हैं कि यदि क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, यानी कि क्रोध ही है, क्रोधो यहां भी वही है, विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद हवर्ण यौ वाला हव भी आए तो विसर्ग से विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और वो मिलकर के फिर ओ हो जाता है, ठीक। तो क्रोध ही है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, तो नराणाम प्रथमः शत्रु ही क्रोधः, यानी कि मनुष्य का सबसे प्रथम शत्रु उसका कौन है, कोई बाहर वाला नहीं होता शत्रु, ठीक है, हमारा अंदर बैठा हुआ हमारा क्रोध, ठीक है, हमारा अभिमान, हमारा गुस्सा ही हमारा पहला शत्रु होता है, जो देहस्थितो देह विनाशनाय, और जो हमारे देह के अंदर बैठा है संवेगों के रूप में, ठीक है, हमारी भावनाओं के रूप में, तो ऐसी भावनाओं के रूप में बैठा हुआ हमारे शरीर के अंदर देह विनाशनाय, जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहा, विनाश कर रहा हमारे देश का, देह का, यानी कि शरीर का, ठीक। यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्नी, जिस प्रकार से स्थितः काष्ठगतः वह्नी, जिस प्रकार से काष्ठ में स्थित, काष्ठ मतलब लकड़ी में, ठीक है, लकड़ी में स्थित जो अग्नि होती है, एक दिन क्या होता है, सैव वहनिर दहते शरीरम, ठीक है। तो वो वहनी जो लकड़ी है, ठीक है, उस वह लकड़ी क्या करती है, संपूर्ण जंगल में आग लगा देती है, ठीक है, यानी कि लकड़ी में जो आग होती है काष्ठगत अग्नि, ठीक है, तो जंगल में जब वनाग्नि लगती है, ठीक है, वो कई बार तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन कई बार ये कंडीशन भी होती है कि लकड़ियों के, यानी कि आपस में टकराने से भी अग्नि उत्पन्न होती है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके आपस में टकराने से क्या होता है, जैसे शीशम का पेड़ है, शीशम पेड़ में बहुत अग्नि होती है, तो आप जब अरणि मंथन होता है, यानी कि जब हवन किया जाता है, अब तो वो पद्धति नहीं, जैसे हवन कुंड है, ठीक है, तो हवन कुंड में बीच में आपने ये बनाया, ठीक है, इसमें आपने जो भी बनाया, ठीक, ये उसके बाद यहाँ पर एक रखा जाता है, यानी कि अपने आप अग्नि नहीं जलाई जाती, यानी कपूर से जला दिया जैसे हम आजकल करते हैं। तो वास्तव में बड़े बड़े यज्ञ में क्या होता है, अग्नि अरणि मंथन होता है, अरणि मतलब इसका लकड़ी का, ठीक है, तो किससे, शीशम की लकड़ी होती है उसको रगड़ा जाता है, उसका मंथन किया जाता है, ठीक है। मंथन आप जानते हैं, जैसे हम दधि मंथन करते हैं तो छाछ निकलती है, नवनीत निकलता है, उसी प्रकार से अरणि मंथन किया जाता है। तो अरणि मंथन करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इतना गर्म हो जाती है लकड़ी, उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और उसी अग्नि से फिर हवन कुंड में जलाया जाता है, ठीक है, हवन को प्रज्वलित किया जाता है, ठीक, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर हवन होता है, ठीक। लेकिन अब वो पद्धति नहीं है, तो इसलिए लकड़ियों में भी क्या होती है, आग होती है। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से यथास्थिति काष्ठगतो हि वह्नी, लकड़ी में जो विद्यमान अग्नि है वही अग्नि संपूर्ण जंगल को नष्ट कर देती है एक बार जला करके, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो क्या है, अग्नि है, कौन सी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, गुस्सा रूपी अग्नि, वो हमें ही समाप्त कर देती है, तो इसलिए संपूर्ण शरीर को नष्ट कर देती है, सैव वह निर्दहते शरीरम, संपूर्ण शरीर को समाप्त कर देती है, यानी कि हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देती है। इसलिए हमें अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आज के पांच
जो श्लोक थे बहुत महत्वपूर्ण। पहले में हमने जाना कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सुख देने वाला है। दूसरे हमने जाना कि हमें ऐसी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नेगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, ठीक। और निमित्त मुद्दे से हमें क्रोध करना चाहिए, लेकिन बिना किसी कारण के हमेशा क्रोध करना हमारे लिए हमारे लक्ष्य में बाधित हो सकता है। फिर जाना कि हमने कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, यानी कि हम कैसे मनुष्य अलग हैं बाकी प्राणियों से, ठीक है। तो इसलिए हमें इशारों में ही समझ लेना चाहिए। और पांचवें में जाना कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो हमारे देह के अंदर रहता है लेकिन हमें ही समाप्त कर देता है, ठीक। इस तरीके से हमने आज 5 श्लोकों का अर्थ जाना। कल हम अगले 5 श्लोकों का अर्थ और अन्वय जानने का प्रयास करेंगे, फिर इसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, दिनं भवतां शुभं भवतु।